नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने आम इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुनक़िदा रोड शो में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पार्टियों पर लोगों के जज्बात से खेलने का इल्ज़ाम लगाया। पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस की कमज़ोर हुकूमतों ने शाहपुरकंडी डैम को 10 साल तक इल्तवा में रखा। हमारे बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में अनाज की खरीदारी और पीने के पानी की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर-ए-आला आज दोपहर 2 बजे सेक्रेटेरिएट में मुतल्लिका महकमा का जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में अनाज की खरीदारी के मराकज, धान की कम अज़ कम इमदादी कीमत के बारे में मुख्तलिफ मंडियों में किसानों से मौसूल होने वाली शिकायत हासिल की। वज़ीर-ए-आला अहदेदारों के साथ मौसम गर्मा के दौरान लोगों को पीने के पानी की परेशानियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम और मुतबादिल तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया है कि रियासत में अनाज की खरीदारी के मामले में किसानों को धोखा देने की कोशिश करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत गल्ले की खरीदारी में मुखलिस है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने ज़रई मंडी के अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। बीआरएस एमएलसी कविता जो दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में ही को सीबीआई हुक्काम ने गिरफ्तार किया और आज राउज एवेन्यू की अदालत में पेश किया, जहां सीबीआई ने 5 दिन की तहवील की दरख्वास्त की। दूसरी जानब कविता ने दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि बगैर किसी नोटिस के उनकी गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। सीबीआई ने कहा है कि कविता का दिल्ली शराब पॉलिसी केस में कलीदी किरदार रहा है। कविता ने विजय नायर और दीगर के साथ मिलकर इस घोटाले की मंसूबाबंदी की थी। सीबीआई ने मजीद कहा कि दिल्ली और हैदराबाद में मीटिंगें हुई और कविता के ऑडिटर होची बाबू की गवाही के मुताबिक कविता के किरदार को वाजे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कविता के मशवरे के मुताबिक एम श्रीनिवासलु रेड्डी ने 25 करोड़ रुपये हवाले किए। इस बात का इंकशाफ उन्होंने अपने बयान में किया। तहकीकती एजेंसियों का दावा है कि व्हाट्सएप की गुफ्तगु भी इन मामलों की तस्दीक करती है। सीबीआई ने इससे मुतालिक सबूत भी अदालत में जमा कराए हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पर्चे नामजदगियों के अमल का आज से आगाज होगा, जबकि 19 अप्रैल पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी। तीसरे मरहले के तहत 12 रियासतों की 94 सीटों पर पोलिंग होगी, जिनमें आसाम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल रहेगी, जबकि इन इलाकों में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। सिकंदराबाद लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली हलके के मुख्तलिफ डिविजन्स में जीप यात्रा निकाली। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को मुस्तहकम हुक्मरानी फराहम करने के लिए अवाम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वजीर आजम की जरूरत है। ये लोकसभा इलेक्शन मुल्क का मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने वोट के हक का इस्तेमाल करना चाहिए। किशन रेड्डी ने अवाम से कहा कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों को वोट देकर अपना कीमती वोट जाय न करें। అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు
केआरएमबी की तीन रुकनी कमेटी का अजलास अनकरीब होने जा रहा है। दोनों रियासतें मौसम गर्मा में पीने के पानी के लिए पानी की तकसीम के मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगी। पहले से मख्तस पानी के अलावा पानी की खपत और दस्तियाबी के साथ इजाफी पानी के अलॉटमेंट पर एपी और तेलंगाना के हुकाम के साथ मीटिंग की जाएगी। केआरएमबी बोर्ड के रुकनी सेक्रेटरी तेलंगाना महकमे आपाशी के एएनसी अनिल कुमार और एपी आबी वसाइल के महकमे एएनसी नारायण रेड्डी इस तीन रुकनी कमेटी के अरकान हैं। बोर्ड ने श्रीसैलम और नागार्जुनासागर आबी जखैर में पीने के पानी की जरूरियात के लिए एपी को 45 टीएमसी और तेलंगाना को 35 टीएमसी पानी मख्तस करने कहा किया है और जिसके इस्तेमाल पर अहम बातचीत होगी। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे बम धमाका केस की तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मुतल्लिका हुकाम ने इंकशाफ किया है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बम धमाके के अहम मास्टरमाइंड समेत दो मुलजमीन को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि NIA ने मुसव्विर हुसैन शाह जैब और मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा को गिरफ्तार किया है। धमाके के वक्त से फरार होने वाले मुलजमीन आसाम और बंगाल में छुपे हुए थे। NIA ने गुज़श्ता दोनों की तस्वीरें जारी करते हुए उनकी मालूमात देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। लिंडी कैमरून को हिंदुस्तान में नया बरतानवी हाई कमिश्नर मुकरर किया गया है। वो रवाहमा अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगी। लिंडी बरतानिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं। वाज़ह है कि वो पहली खातून हैं जिन्हें हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर मुकरर किया गया है। IPL का 26वां मैच आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स और पंजाब किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। लखनऊ में खेला जाने वाला यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम 4 मैचेस में 3 कामयाबियों और 1 शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल में 3रे मुकाम पर है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 कामयाबियों के बाद 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। ऐसे पंजाब की टीम आज जीत कर जरिए अपनी पोजिशन बेहतर बनाने के मकसद से मैदान में उतरेगी। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि खलीज बंगाल में बनने वाले असर के बायस आइंदा 48 घंटों के दौरान कई मुकाम पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। अबरालूद मौसम की वजह से शहर में दर्ज हरारत मामूल के करीब है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज के अहदेदारों ने कहा कि जुमेरात की सुबह से रात के तक शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35.6 डिग्री, कम से कम दर्ज हरारत 25.2 डिग्री और हवा में नमी 38% रहेगी। और आज इन खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की उर्दू खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD News तेलंगाना, ट्विटर पर DD News तेलंगाना @DD यादगिरी News और फेसबुक पर DD News तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करने का पीएम मोदी ने लगाया इल्जाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अहदेदारों के साथ जायजा इजलास, अनाज की खरीदारी और पीने के पानी की फराहमी पर तबादले ख्याल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कविता राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश। CBI हुकाम ने तहकीकात के लिए मांगी 5 दिन की तहवील, अदालत ने फैसला रखा महफूज।
खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बरकरार, ग्रेटर हैदराबाद में आइंदा दो दिनों तक बारिश की पेश कयासी। और IPL में आज लखनऊ का पंजाब से होगा मुकाबला, लखनऊ में होने वाला मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा शुरू।